तक की पहाड़ों से देखने में अलग संस्कृति भी अलग लेके प्यार और अमन का पैगाम सारे देशवासियों को मेरे सलाम इस देश के लिए दिए हमने भी जाने बलिदान और हम भी शान से कहते हैं दैट आई एम नागा दोस्तों, ये है नॉर्थ ईस्ट का सबसे अनोखा राज्य नागालैंड, जो कि सांस्कृतिक रूप से एक विविध राज्य है। ये अपनी रंगीन पारंपरिक त्योहारों, प्राकृतिक नजारों और यहाँ के मुंह में पानी ला देने वाले लाजवाब व्यंजनों के लिए जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे नागालैंड में खाए जाने वाले किन्हीं पांच अजीबोगरीब चीजों के बारे में। तो हमारी इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर है बुशमेट। दरअसल बुशमेट कुत्ते के मांस को कहा जाता है, जो कि नागालैंड के प्रसिद्ध मांसाहारी खानों में से एक है तथा बुशमीट को नागालैंड के लोगों द्वारा सबसे अधिक पसंद किया जाता है। इसे यहाँ के लोग तेल में तल के या फिर सुलगती आंच की लपटों पर रोस्ट करके बनाते हैं। वही क्या आपको पता है दोस्तों कि बुशमीट को पूर्वोत्तर के सबसे सस्ते मांस व्यंजनों के रूप में भी जाना जाता है। नंबर चार पर है बैम्बू फिश। दोस्तों, वैसे तो मछली पूरे भारत में पकाई जाती है और काफी पसंद भी की जाती है, लेकिन नागालैंड में इस तरह की मछली बनाने के लिए सबसे पहले तो हरे बांस की नलियों को बीच से काट लिया जाता है। फिर उनमें मछलियों को थोड़े से चटपटे मसालों के साथ अच्छे से अंदर भर दिया जाता है। फिर थोड़ी देर इन्हें आग की लपटों पर रख के पका लेते हैं, और एक बार जब अंदर रखी मछली अच्छे से पक जाती है तो समझिए वो खाने के लिए तैयार है। तथा इस तरह से पकाए जाने के बाद इनमें हल्का हल्का बांस का स्वाद भी होता है, और यही स्वाद इन्हें अलग और यूनिक बनाती है। नंबर थ्री, समथा या समाथो। ये पूरे नागालैंड राज्य का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है, जिसे राज्य भर में लोग बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। इस फेमस डिश को तैयार करने के लिए सबसे पहले रोस्टेड पोर्क या सुअर के मीट में एक शून का उपयोग किया जाता है, और फिर इसे थोड़ी देर तेल में तलने के बाद समंथू नामक लाल मिर्च डालकर एक मोटी करी बना लिया जाता है, अथवा इसे ढककर हल्की आंच पर काफी देर तक पकाया जाता है, जो कि इस व्यंजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये व्यंजन ज्यादातर नागालैंड के गांवों में निवास करने वाले शेमा शुमी जनजाति के घरों में तैयार किया जाता है, तथा ये इनका विशिष्ट भोजन भी है। नंबर टू, जूथो बियर। दोस्तों, ये नागालैंड का एक प्रसिद्ध राइस बियर है, जो पूरे उत्तर पूर्व भारत में विशेष रूप से नागालैंड में खासा पसंद किया जाता है। ये जूथो बियर यहाँ इतना लोकप्रिय है कि इसके बगैर यहाँ का हर जश्न अधूरा सा रहता है। और यदि हम इसे बनाने की प्रक्रिया को देखें तो इसे पके हुए चावल को कई दिनों तक पानी में सड़ाकर बनाया जाता है। और आइए बात करते हैं नंबर एक के बारे में। तो नंबर एक पर है यहाँ की यकीनी। ये नागालैंड का एक और फेमस डिश है, जो परिला के बीजों को भूनकर तथा उन्हें पीसकर बनाया जाता है। फिर थोड़ी देर इसे पकने के बाद इसमें धान के खेतों में पाए जाने वाले घोंघों को मिलाया जाता है, तथा नागालैंड में कुछ लोग इसके स्वाद को और एनहांस करने के लिए इसमें सुअर की चर्बी भी मिलाते हैं, जो इसके टेस्ट को और भी ज्यादा मजेदार और चटपटा बना देता है। तो दोस्तों, इस तरह की और ढेरों वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।